જનની જણે તો એસા જણજે, કે દાતા કે સુ અરે નહીં તો રહી જે ભાંજડી થારું મતિ ગમાજે જનની જણે તો એ સાજણ જેસા રાણા પ્રતાપ અરે અકબર સુતા ઓજ કે અરે જાણે રેણ સરાણે સા અરે હળદી ઘાટી મે સમર લડ્યો હળદી ઘાટી બે સમર લડ્યો અરે વો ચેતક રો અરે વો ચેતક રો અસિવાર કઠે અરે માયડ થારો વો ભૂત કઠે વો એકલિંગ દીવાન કઠે મહારાણા પ્રતાપ કઠે બોલો હાથ કો ઉઠા કરકે તાળી કે સાથ મહારાણા પ્રતાપ કઠે મહારાણા પ્રતાપ કઠે પેલી વાત અરે મેં વાંચ્યો હે ઇતિહાસા મે માયડ થે એડા ભૂત જણ્યા અરે ધન પાન લજાયો ની થારો રણધીરા રે સિર મોડ બંધ્યા અરે બેર્યા રે મન શું ભાટીલા પ્યારે મનસુ બાટીલા સારા પડ્યા ઉણરે આગે અકબર કે સામને સભી ઝુક ગયે મગર વો ઝુક્યો નહીં નર ના હર્યો નાર કિસે કહેતે નાર કિસે કહેતે નાર 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 કા મતલબ હોતા શેર અરે વો ઝુક્યો નહીં નર ના હર્યો અકબર રી સેના હે આગે અરે હિન્દુઆ સૂરજ મે વાળ રતન હો હો હિન્દુઆ સૂરજ મે વાળ રતન મહારાણા પ્રતાપ કઠે માયડ થારો વો ભૂત કઠે વો એકલિંગ દીવાન કઠે મહારાણા પ્રતાપ કઠે હો
महाराणा प्रताप युद्ध के लिए रवाना हो रहे थे, तब महाराणा प्रताप की घरवाली ने अर्धांगिनी ने चेतक को तिलक निकाला। मित्रों उस समय औरतें भी कैसी होती थी, धर्म की लड़ाई के लिए अपने पति को रवाना करती थी, और आजकल धर्म की लड़ाई के लिए अगर पति रवाना होता है तो लारू खेचे आपने कहीं लड़ दो आगे बढ़ो लपड़ा में नहीं पड़ना, ऐसा मत करो। ये देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, अगर कोई आंख उठाएगा तो हम आंख निकालने दो अपने पतियों को, धर्म के लिए आगे लड़ने दो। महाराणा प्रताप की अर्धांगिनी ने चेतक को तिलक निकाला और कहा, हे चेतक तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। अरे हल्दी गाती नहीं कोई खेल खिलवाड़ का, देना जवाब तुझको शेरों की दहाड़ का। अरे चेतक महान है तू, धरती किसान चेतक महान है तू, धरती की शान है तू, रखियो रे आज उनकी लाठी हो। पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पर सवार है जो मेरा सुहाग है जो, रखियो रे आज उनकी लाठी हो। हल्दी काटी रेठीला सू, हल्दी काटी रेठीला सू, शिव पार्वती युद्ध देख रहा। अरे मेवाड़ी बीरारी ताकत अपनी नजरा में तोल रहा। अरे बोलिया शिव जी सुन पार्वता, बोलिया शिव जी सुन पार बता, अरे मेवाड़ भोम ने बलिहारी, और क्या बलिहारी कि जो अच्छा कर्म करे जग में अठे जन्म ले नर नारी। यू स्वयं एक लिंग रूप धर्यो, जो भारत माता से प्यार करता है वो हाथ उठाए, जो मां भारती से प्यार करता है हाथ उठाए। गा रहा हूं किसका, रिबब कम करना, मैं बताता हूं भैया चश्मा वाले भैया, ये उठ के जो जा रहे हैं आपसे निवेदन है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया। सुनिएगा, महाराणा प्रताप क्या थे, जब हल्दीघाटी का युद्ध चल रहा था, सुनना मेरी बात को, जब हल्दीघाटी का युद्ध चल रहा था, महाराणा प्रताप के नाम के डंके बज रहे थे, अकबर की सेना में तहलका मचा हुआ था कि मेवाड़ में ऐसा कौन सा सपूत जड़ा है जो महाराणा प्रताप, जिसके नाम से अकबर नींद में भी एकदम अचक जाता है, और एक कौन सा वो तोप है क्या है। सुनिएगा, अकबर की सेना में एक बहलोल खान नाम का सैनिक था, सेनापति बहलोल खान। माता बहनों से निवेदन है, मम्मी जी सुन लीजिए, मम्मी जी माता जी सुन लीजिए प्लीज, मुझे पता है आपको इन वचनों से मतलब, आप जैसे ही नारियों ने ऐसे वीरों को जन्म दिया है, जब आप बातें करते हो तो ऐसे वचनों की तोहिन होती है। आपसे निवेदन है सुनना, मैं ऐसे लाल का गुणगान कर रहा हूं जिसके नाम से पूरा अकबर का सल्तनत धूसती थी। सुनना,
आज भी हम चौड़े होकर कहते हैं कि महाराणा प्रताप की नगर से हैं। अकबर की सेना में बहलोल खान नाम का सैनिक था जिसकी हाइट थी 7.5 फीट। ये विशाल काय शरीर था, इतना पावरफुल था अकबर का सैनिक बहलोल खान। उसने सोचा यार ये महाराणा प्रताप चीज क्या है जिसके नाम से राजा भी कांपते हैं, ऐसा कौन सी ऐसी कौन सी मेवाड़ की तोप है महाराणा प्रताप। वो बहलोल खान अकबर की दरबार में 1 महीने तक रोज 1 7 फीट का महाराणा प्रताप बनवाता था, पत्थर का 7.5 फीट का महाराणा प्रताप पत्थर का दरबार में बनवाता था दिल्ली। और रोज वो बहलोल खान एक झटके से उस महाराणा प्रताप की गर्दन उड़ाता था, एक झटके में पत्थर के महाराणा प्रताप की। उस बहलोल खान ने सोचा कि इस पत्थर से विशाल वो मेवाड़ का महाराणा प्रताप नहीं हो सकता, इससे पावरफुल मेवाड़ का महाराणा प्रताप नहीं हो सकता, क्योंकि पत्थर से तो कोई कठोर होता ही नहीं है। मित्रों 1 महीने तक रेगुलर उसने पत्थर की मूर्त बनवाई महाराणा प्रताप की और एक झटके में उसको काटता था। उसने सोचा जिस दिन वो मेवाड़ का महाराणा प्रताप सामने आएगा उसको मैं ऐसे ही एक झटके से उड़ा दूंगा। उस बहलोल खान ने सोचा जिसका विशालकाय शरीर था, दानवाकार शरीर था, बहुत खतरनाक था, उसके शरीर को देखकर यूं लगता था कि वास्तव में कोई पावरफुल है। मगर जिस दिन वो बहलोल खान अपनी सेना के साथ मेवाड़ में युद्ध करने के लिए आया, दीवेर में युद्ध चल रहा था, इतिहास यूं कहता है कि 2 मिनट के लिए युद्ध रुक गया। इतिहास यूं कहता है कि 2 मिनट के लिए युद्ध रुक गया। अकबर की सेना एक तरफ, महाराणा प्रताप की सेना एक तरफ, दोनों को ये परिणाम देखना था कि जो बहलोल खान एक झटके में पत्थर के महाराणा प्रताप को काटा करता है वो आज रियल में महाराणा प्रताप सामने आए हैं, देखते हैं क्या होता है। इतिहास ने लिखा है कि 2 मिनट के लिए युद्ध बंद हो गया। मित्रों दिवेर की घटना, इधर से बहलोल खान आया, इधर से महाराणा प्रताप, हमारे मेवाड़ का वो लाल, हमारे राजस्थान का वो लाल इधर से आया। वो 56 इंची सीना नहीं, वो 76 इंची सीना महाराणा प्रताप। जैसे ही बहलोल खान आया तलवार निकाली, जैसे ही वो वार करने लगा बहलोल खान, उससे पहले महाराणा प्रताप ने यहां लगाई एक तलवार, एक झटके में महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को चीरते हुए घोड़े तक को एक वार में काट दिया। मैं उस महाराणा प्रताप की वंदना करता हूं। एक झटके में, और आपको यकीन नहीं हो तो लेक सिटी उदयपुर जाकर देखना, वो बहलोल खान के घोड़े की काठी अभी तक भी वहां पड़ी है कटी हुई। एक वार में उस दानवाकार बहलोल खान को जिस महाराणा प्रताप ने काट दिया, आप सोचो उसके अंदर कितनी ताकत होगी, उनके अंदर कितनी ताकत होगी। इसलिए एक बार उन वीर सपूतों के लिए जिनकी बदौलत हम यहां पर सीना चौड़ा करके बैठे, हाथ उठाओ और मेरे साथ गाना, वो महाराणा प्रताप कटे महाराणा, वो महाराणा, वो महाराणा प्रताप कटे। अंत में, अरे ये आज देसरी सीमा में संकट रा बादल मंडराया, और ये पाकिस्तानी घुसपैठिया नहीं, आज के बाद ये गाना, ये पाकिस्तानी टटपूंजा भारत सीमा में घुस आया। मैं चाहूंगा कि आपका जोश सावधानी के साथ थोड़ा मुंह खुल के, ऐसे उदास होके मत बैठो भैया, ये महाराणा प्रताप का भजन चल रहा है। वो भी सोचते होंगे यार मैंने किसके लिए प्राण दे दिए यार, एक बार सीना चौड़ा करो, हिंदुस्तानी हो तो सीना चौड़ा करो। अरे क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, दुपट्टा भी नसीब नहीं होगा
कफन के लिए, अरे मरना ही है तो मरो वतन के लिए, कम से कम तिरंगा तो नसीब होगा कफन के लिए। ये आज देशरी सीमा में संकटरा बादल मंडराया, ये पाकिस्तानी घुस बैठा भारत सीमा में घुस आया। भारत तेरा वीर जवाना थे हो, आने यो सबक सिखा दी जो थे हो, प्रताप राही वंश जवानी या बात बता दी जो, पीछे तक बोलिएगा यो कश्मीर आपको बोला है भारत को है, आप बोलेंगे हाथ उठा करके यो कश्मीर कश्मीर, ऐसे बोलोगे जो तो वो है जो है वो रेपर देके ले जाएगा वो है जो ही, थोड़ा खुददारी से बोलो, खुन्नस से बोलो, एकदम यू बोले हमारा यो कश्मीर भाई उच्च यो कश्मीर, माधव जी द्रक ने लिखा है यो कश्मीर, जो भजन पर हाथ नहीं उठा सकता है समय आने पर वो क्या शस्त्र उठाएगा, मुझे तो नहीं लगता है वो नहीं उठा पाएगा, बाजुओं में दम है तो उठाएं, उठाएं दोनों हाथ, बुजुर्गों से नहीं होता हाथ नीचे रखो, आपकी उम्र हो गई वैसे ही, जवानों से जवान होते हुए नीचे मत रखो, उठाओ दोनों हाथ। अरे यो कश्मीर भारत को है हो, कश्मीर भारत को है हो, अरे ये कश्मीर भारत को है, गुण आंख उठावे आज अठे, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अगर देश के कामनाए, अगर देश के कामनाए तो जीवन बेकार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अरे महाराणा प्रताप, वंदे वंदे वंदे। आप यकीन ना मानो इतनी सी आवाज तो छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं, आप इतने जवान बैठे हो, सोनी समाज बैठा है, मैं चाहता हूं दिल खोल के बोलना है वंदे वंदे वंदे, पुकारती पुकारती माँ भारती पुकारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती, हो मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार 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 के लिए, दिलदार के लिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
वंदे सदगुरुदेव की बोलो जी राम जी सोनी की बो सदगुरुदेव की।